कांग्रेस के बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी किए गए नोटिस मामले को लेकर आज राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की गई सुनवाई को लेकर सुबह 10:30 बजे तक के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले आज स्पीकर पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा तो पायलट खेमे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे ने नोटिस को लेकर पैरवी की। है वो असंवैधानिक है या नहीं है उसके लिए नजीरें पेश करी और जो थी उनका वापस से पढ़ के बताया गया, इंटरप्रेट किया गया कि कोर्ट के पास पूरी पावर्स हैं, क्या फ्लोर क्रॉसिंग होती है, क्या स्पीकर ने जो शोकॉज नोटिस दिया है वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ था या नहीं था, ये सारे तर्क पूछा गया कि क्या वो निकाला गया क्या, तो उसमें यह है कि वॉलेंट्री, क्योंकि मामला स्पीकर के समक्ष है तो उसके बाद पार्टी ने कोई भी एक्शन लेना सही नहीं समझा। साथ ही साथ वॉलेंट्रीली जब किसी ने छोड़ा उसको डीमिंग सेक्शन से इंटरप्रेट किया गया है कि आपने जब सीएलपी की मीटिंग में नहीं आ रहे हो तो इसका माना जाए, यही तर्क निकाला जाए कि आप पार्टी को छोड़ चुके हो और इसीलिए 10 महीने की इंटरप्रेट किया है कि वेदर व्हिप जो है वो हाउस में अप्लाई होता है बाद होता है, विप शब्द कहां से आया है, उसका क्या मतलब निकलता है, क्योंकि संविधान के शेड्यूल 10 में विप वर्ड यूज नहीं हुआ है, बस सिर्फ डायरेक्शन वर्ड यूज हुआ है, उसका इंटरप्रिटेशन पे चल रहा है। कामत साहब ने क्या आर्ग्यू किया? कामत साहब ने महेश जोशी जी की तरफ से आर्ग्यू किया है कि भाई जो हमने कार्रवाई करी है वो बिल्कुल विद इन पैरामीटर्स की है, विप ऑफिसर होने के नाते जो अगर कोई अवहेलना करता है तो उनके खिलाफ हमें इस तरीके की अर्जी लगाने का पूरा अधिकार है, संविधान के हिसाब से भी देखें और विधानसभा के रूल 1989 के देखें उसके तहत भी, और वही कार्रवाई की। मुकुल रोहतगी के बाद आगे और कौन कौन है? मुकुल रोहतगी के आर्ग्यूमेंट के बाद जो एप्लीकेंट है उनके वकीलों को अवसर दिया जाएगा जिन्होंने आज एप्लीकेशन लगाई है, और उसके बाद वापस से सर रिजॉइंडर पे कोई बहस करना चाहता है तो वो बहस कर सकते हैं।